हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है सारणिक, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के हम कई पार्ट में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुके हैं, फंडामेंटल समझा चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो एकदम स्पेशल प्रॉपर्टी को लेके है। दैट मीन्स आज हम डिटरमिनेंट्स के कुछ ऐसे नेचर के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल यूनिक है और रेयर ऑफ द रेयर है। तो बहुत ध्यान से देखिए, आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पहला पार्ट में मैं बता दूंगा आपको कुछ रेयर क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अनुप्रयोग की सारणिक वास्तव में काम क्या आता है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से जो मेथड आपको बताने वाला हूँ, आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी पर मैंने बाद में डिस्कस करूँगा बोला था, वो है प्रॉपर्टी नंबर 8। इस प्रॉपर्टी पर मैं जब आपको डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी समझा रहा था तो बोला एक प्रॉपर्टी 8 है जिसको मैं बाद में क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाऊंगा। उसी प्रॉपर्टी पर बात कर रहा हूं मैं और उसी पर क्वेश्चन कराऊंगा। यह है फैक्टर मेथड या फैक्टर थ्योरम, इसको हम फैक्टर थ्योरम के नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय इतना समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि गुणनखंड थ्योरम है क्या। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज है अपन एक डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन लिए, डेल इक्वल 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एक डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है और इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है हमको। इसका मान ज्ञात करना है, दैट मीन्स क्वेश्चन है इवेल्यूट इवेल्यूट विदाउट एक्सपांडिंग इवेल्यूट विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब इस सारणी का बिना विस्तार के मान ज्ञात कीजिए, बिना विस्तार के मान ज्ञात करना है। क्लियर? बिना विस्तार के मान ज्ञात करने का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। यदि इसका सिर्फ आपको मान ज्ञात करो बोल दें तो आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन है। आप दो बार जीरो लाएंगे, दो बार जीरो तो कैसे आएगा, ऐसे दिख रहा है, और बाद में उसको क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है विदाउट एक्सपांडिंग ई वैल्यू विदाउट एक्सपांडिंग, बिना विस्तार के मान ज्ञात कीजिए, माने इसको हमको विस्तार नहीं करना है। और ये पैटर्न को यदि आप सीख गए, दो क्वेश्चन बताऊंगा, पहला इजी क्वेश्चन लियो, फिर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड कर लेंगे, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बहुत आसानी से इसका आंसर ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं, ओनली ऑब्जर्वेशन से। कुछ भी एक लाइन आपको नहीं लिखना पड़ेगा और सिर्फ आप देख के बता दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा करके। चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आप सिर्फ देख के, इसीलिए स्पेशली मैं आज के क्लास को इस थ्योरम पर बेस्ड कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको ध्यान से देखेंगे और हम यहाँ पर यह देखें कि यदि यहाँ पर एक वेरिएबल को, एक चर राशि को किसी दूसरे से हम रिप्लेस कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो पहला कंडीशन यहाँ पर, यहां मैं अप्लाई कर दूं यदि a बराबर b तो क्या होने वाला है। देखो यदि a बराबर b, इफ a इक्वल टू b, देन यदि मैं यहां पर a के जगह में b रख दूं दोनों जगह, तो ये तो 1 है, ये भी b, ये भी b, तो कॉलम c1 कॉलम c2 के बराबर हो जाएगा। यहां भी 1b b स्क्वायर, यहां भी 1b b स्क्वायर हो जाएगा। और डिटरमिनेंट से हम जानते हैं कि कोई भी दो कॉलम यदि या दो रो आइडेंटिटी हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो दोनों जीरो हो जाता है, वो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, ये डेल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ए इक्वल टू बी में हमारा डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ए माइनस बी इज ए फैक्टर। इसी को बोलते हैं इसका फैक्टर थ्योरम, मतलब वो इसका गुणनखंड होगा। a माइनस बी इसका गुणनखंड क्यों हुआ, क्योंकि a इक्वल टू बी में डिटरमिनेंट्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्लियर?
सेकंड नंबर में हम अप्लाई करके देखें, इफ बी इक्वल टू सी देन, तब उस कंडीशन में यदि हम बी के जगह में सी रख दें, यहां पर सी रखूं तो वन सी सी स्क्वायर आएगा और यहां भी वन सी सी स्क्वायर है, तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इफ बी इक्वल टू सी देन डेल इक्वल टू जीरो, तब भी डेल जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बी माइनस सी इज ए फैक्टर, मतलब b माइनस सी भी क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया, a माइनस बी भी एक फैक्टर हो गया, b माइनस सी भी एक फैक्टर, ये ऑब्जर्वेशन है ओनली। और थर्ड कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यदि a इक्वल टू सी हो जाए, यदि हम a को c के इक्वल कर दें, तो यहाँ देखो यदि इसको हम a करें या इसको c करें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब भी जीरो हो जाएगा, तब उस कंडीशन में भी डेल क्या हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर ए माइनस सी इज ए फैक्टर, यह भी एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर हमको इसके तीन फैक्टर मिल गए, ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस सी, या सी माइनस ए भी कह सकते हैं, क्लियर। सी इक्वल टू ए रखेंगे तो सी माइनस ए हो जाएगा, या अपन सी इक्वल टू ए रख दें, ऐसा रख दो तो मतलब एक ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी माइनस ए इज ए फैक्टर, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, तीनों जब उसके फैक्टर हो गए तो हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल, एक कांस्टेंट लेते हैं के, क्योंकि हमको अब ये नहीं पता कि कांस्टेंट कोई वैल्यू आएगा कितना आएगा, और एक फैक्टर हो गया ए माइनस बी, एक फैक्टर हो गया b माइनस सी, एक फैक्टर हो गया c माइनस ए। कुल मिला के हमको इस डिटर्मिनेंट्स के ये तीन फैक्टर तो मिल गए, अब हमको फाइंड करना है इस कांस्टेंट का वैल्यू, k का वैल्यू। तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर a b c के कुछ वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, सब में आंसर आएगा, लेकिन छोटा छोटा वैल्यू रखने से क्या होगा, आसान होता है। और कोई वैल्यू ऐसा नहीं रखना है आपको कि फैक्टर जीरो हो जाए, क्लियर। तो यहाँ पर हम सबसे छोटा वैल्यू रखें, यदि a इक्वल टू जीरो रख दें, इफ a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू वन रख दो, b इक्वल टू वन और c इक्वल टू माइनस वन रख दो, क्योंकि यहाँ पर c भी वन रख दूँ तो जीरो हो जाएगा, तो c को माइनस वन रख दिए। ये वैल्यू यदि यहाँ पर रख दिया जाए तो देयर फॉर डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, वन वन वन, और इनके वैल्यू रखेंगे ए बी सी का, तो ए का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू माइनस वन। यहाँ पर भी रखें ए का वैल्यू ये जीरो, बी का वैल्यू वन का स्क्वायर दैट मीन्स वन, और सी का वैल्यू माइनस वन दैट मीन्स माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इक्वल, इस साइड भी हम रखें तो के इंटू ये हो जाएगा जीरो माइनस वन इंटू वन का वैल्यू वन और माइनस माइनस वन तो क्या हो जाएगा प्लस वन, और यहाँ पर सी का वैल्यू माइनस वन और माइनस जीरो। इस प्रकार से हमने ए बी सी का वैल्यू पुट अप कर दिया, दैट इम्प्लाइज इस डिटर्मिनेंट्स को हम यदि साल्व करें तो यहाँ पर देखो दो जीरो है, हम इस वन के लिए साल्व करेंगे, जब इस वन के लिए साल्व करेंगे तो इस रो और इस कॉलम को अपन छोड़ देंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, दैट मीन्स वन इंटू वन ये प्लस वन हो गया है, ये हो गया वन, और माइनस ये हो जाएगा माइनस वन दैट मीन्स प्लस वन, वन प्लस वन दैट इक्वल के इंटू, यहाँ पर क्या होने वाला है देखिए, ये तो माइनस वन हुआ, ये भी माइनस वन हुआ, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, ए टू है तो हो जाएगा टू, ये भी टू हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस टू इक्वल टू टू के, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको के का वैल्यू मिल जाएगा कितना, वन। तो यहाँ से हमको के का वैल्यू वन मिल गया, माने यहाँ पर हम के का मान वन पुट कर सकते हैं, और इस डिटर्मिनेंट्स का मान हो जाएगा वन इंटू, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। दैट मीन्स यदि ये डिटर्मिनेंट्स को हम हल करें तो इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा वास्तव में कितना आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये इसका वैल्यू आएगा। और इसी को हम यदि एक्सपांड करके सॉल्व करें, विस्तार करके सॉल्व करें तो बहुत लेंदी होगा, और कॉम्पिटिटिव में सबसे अच्छा कैसे काम का है, जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आप ओरल सोच लेंगे
कि यहाँ ए रखूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, बी रखूंगा या सी रखूंगा, माने ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इसका फैक्टर होएगा। और बाद में के का वैल्यू इस तरह से आप एक लाइन में रफ में फटाफट निकाल सकते हैं। इस तरह से ये जो फैक्टर थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। तो इसमें हम करते क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स में जो वेरिएबल्स दिए रहते हैं उसमें एक वेरिएबल को दूसरे से रिप्लेस करके देखते हैं, उसको उसके हटा के उसके जगह में रख के देखते हैं, और जब वो पूरे डिटर्मिनेंट्स को जीरो कर देता है तो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको इससे बताता हूँ, सेम क्वेश्चन, तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट करके एक बार रख लीजिए, क्योंकि ये सब रेयर कलेक्शन है, इसको आप नोट्स बना के रखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। मैथमेटिक्स का पीडीएफ मतलब वो सॉल्यूशन है, नोट कोई मतलब नहीं, गाइड हो जाएगा। इसलिए आप क्लास में पढ़िए ध्यान से, और मैं आपको टाइम दूंगा, आप बोर्ड से उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर पढ़ाते वक्त आप समझ जाएँ तो बाद में उसको बना भी सकते हैं। क्वेश्चन लिखना आपको जरूरी हो सकता है, ये आपको अवेलेबल हो, ठीक है? देखिए, ओके, क्लियर? तो ये मैं रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको मैं, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, जो इसी पैटर्न पर मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इसमें हमको प्रूफ करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट्स माइनस टू ए प्लस बी ए प्लस सी, माइनस टू ए प्लस बी ए प्लस सी, सी प्लस ए सी प्लस बी, सी प्लस ए सी प्लस बी, माइनस टू सी एंड माइनस टू ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस ए, सेकंड रो में थर्ड कोटिंग डाला मैं, बी प्लस ए माइनस टू बी बी प्लस सी, माइनस टू बी बी प्लस सी, नेक्स्ट इज सी प्लस ए सी प्लस बी, सी प्लस ए सी प्लस बी, माइनस टू सी, माइनस टू सी इक्वल टू हमको प्रूफ करना है फोर ए प्लस बी, फोर ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए, अभी क्वेश्चन में ई वैल्यू मान ज्ञात करना था, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है ये लेके ये लाना है, और क्वेश्चन में बोल भी सकता है बिना विस्तार के, ठीक है, विदाउट एक्सपॉन्डिंग, बिना विस्तार के, विदाउट एक्सपॉन्डिंग हमको ये बात प्रूफ करना है। और बाय द वे एक्सपॉन्डिंग करके भी बोले तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पर मैं जो मेथड आपको समझाऊंगा वो ध्यान से समझिए। अभी मैंने बताया चूंकि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो इसके प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देखिए इस साइड को अब मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सबसे पहले क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर कॉलम या रो को आपस में ऐड कर देते हैं। क्लियर? इस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ये माइनस टू है, या सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री भी कर सकते हैं, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री करेंगे, देखिए यहाँ पर ए ए टू ए होगा, माइनस टू ए के साथ कैंसिल होगा, तो कुछ भी कर सकते हैं, यही कर देते हैं अपन, सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो हम सी वन में तीनों को ऐड कर रहे हैं, टू ए इसके साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा बी प्लस सी, बी प्लस सी, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए
ये कैंसिल होगा टू बी इसके साथ में, तो ये बचेगा ए प्लस सी यहाँ पर सी सी, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ पर तो वही होगा ए प्लस बी माइनस टू बी सी प्लस बी, ए प्लस सी बी प्लस सी माइनस टू सी। अब इस डिटरमिनेंट्स के इस फॉर्म में आने के बाद यहाँ प्रूफ करने में आप देखो कि a प्लस बी इसका एक फैक्टर है, और a प्लस बी इसका एक फैक्टर है, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू, यदि हम जीरो कर दें a प्लस बी उसका एक फैक्टर है, तो a इक्वल टू माइनस बी रखा जा सकता है, वो हमको क्वेश्चन से ही पता चल जाता है जो प्रूफ करना है, ये c प्लस है ना ये, तो यहीं से पता चल जाता है कि हमको क्या रखना है। तो हम इस डिटर्मिनेंट्स में पुट करते हैं, नाउ पुट a इक्वल टू माइनस बी, मतलब इस डिटर्मिनेंट्स में जहाँ पर a है उसके जगह में हम माइनस बी पुट करते हैं, इसको हमने डेल मान लिया है, तो उस कंडीशन में हमारा डिटर्मिनेंट्स किस फॉर्म में आ जाएगा देखिए। अब यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, यहाँ तो b प्लस सी है, यहाँ पर हम सिर्फ a के जगह में माइनस बी रखेंगे जहाँ पर a है, क्योंकि पूरे को हम b और c के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो बी प्लस सी ही होगा यहाँ पर, देखिए ए प्लस बी, तो ए के जगह में मैं माइनस बी रखूँगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर ए प्लस सी तो माइनस बी प्लस सी ऐसा होगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ माइनस बी रखना है, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर माइनस टू बी तो माइनस टू बी ही रहेगा, यहाँ पर बी प्लस सी ये बी प्लस सी ही होगा, और यहाँ पर ए प्लस बी तो यहाँ पर कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी रखेंगे तो ये सी प्लस बी ये हो जाएगा माइनस टू सी, मतलब इतना रखेंगे क्योंकि हमको इसका एक फैक्टर बताना है, ये वाला फैक्टर, क्लियर। अब क्या करो, इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा ओपन कर दो, डायरेक्ट ओपन कर दो, और हमको ये बताना है कि डेल जीरो आ गया, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम यदि एक वेरिएबल के जगह में दूसरे वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स जीरो आना चाहिए, यदि डिटर्मिनेंट्स जीरो नहीं आया तो उस कंडीशन में वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें देखें एक्सपांड करें इसके लिए बी प्लस सी के लिए, तो हो जाएगा बी प्लस सी और अंडर ब्रैकेट इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4bc और इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, क्लियर। एक फैक्टर ये हुआ, दूसरा तो जीरो हो जाएगा, तीसरा फैक्टर ये होगा तो प्लस माइनस b प्लस सी और इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो इस कॉलम को छोड़ेंगे ना, ये वाला और ये वाला, तो मल्टीप्लाई इसका इसके साथ में होगा, देखिए तो ये है बी प्लस सी ये सी माइनस बी, माने हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो माइनस जीरो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। दैट इक्वल आगे इसको हम सॉल्व करें तो बी प्लस सी इसको हम एक्सपांड कर लें, फोर बी सी माइनस इसको स्टार करें तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी ये होगा, और प्लस इसका अंदर में मल्टीप्लाई करूँ तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस बी सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी क्यूब इसका करें तो प्लस सी क्यूब और यह आएगा माइनस बी स्क्वायर सी। उसी प्रकार अंदर इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं हम, दैट इक्वल देखिए फोर बी सी है और माइनस टू बी सी है, एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो बी प्लस सी ये हो जाएगा, इसमें से इसके घटेगा तो टू बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी, क्लियर यहाँ तक। अब आप देखो इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू बी स्क्वायर सी माइनस बी क्यूब इसके साथ होगा तो माइनस बी सी स्क्वायर, इसका इसके साथ होगा तो प्लस टू बी सी स्क्वायर, इसका इसके साथ होगा तो माइनस बी स्क्वायर सी, और यहाँ मल्टीप्लाई होके माइनस सी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो
कि सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बी क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये जो सी क्यूब है माइनस सी क्यूब, ये प्लस सी क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो गया। टू बी स्क्वायर सी, तो बी स्क्वायर सी ये है और बी स्क्वायर सी ये है, दोनों माइनस हैं, तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये है टू बी सी स्क्वायर, तो माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर दोनों एड होके इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ गया जीरो। क्लियर? इस तरह से क्या हो गया, डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब है कि a इक्वल टू माइनस बी रखने पर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो a प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब a प्लस बी इसका एक फैक्टर हो गया। इसी प्रकार हम b प्लस सी को बताएंगे, इसी प्रकार c प्लस a को बताएंगे। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पुट किया है a इक्वल टू माइनस बी, वैसे ही अब पुट करेंगे b इक्वल टू माइनस सी, वो भी जीरो करेगा, फिर c इक्वल टू माइनस ए वो भी जीरो करेगा। लेकिन तीन बार इसको बताने का जरूरत नहीं होता, एक फैक्टर यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी फैक्टर मस्ट सेटिस्फाई करते ही हैं। तो सीधा हम इसके आगे, क्योंकि इतना लेंदी वर्क तीन बार बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, तो ऑब्जर्वेशन से एक बार में बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार से b प्लस सी और c प्लस ए भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। यही है प्रॉपर्टी 8, जिसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा करके बताया था स्पेशली क्वेश्चन लेके, क्योंकि मैं वहाँ आपको प्रॉपर्टी बताता आप कुछ भी नहीं समझ पाते, और ये रेयर क्वेश्चन है। हो सकता है बहुत से राइटर्स के बुक में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, रेयर ऑफ द रेयर कलेक्शन है, इसको आप ढंग से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक फैक्टर हो गया, इसी प्रकार हम बता देंगे कि ये भी इसके फैक्टर है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है 4 का वैल्यू फाइंड करना। तो 4 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या मेथड बताया मैं, इस डिटर्मिनेंट्स को हम इनटू के फॉर्म में लिखते हैं और फिर वहाँ पर हम ए बी सी का वैल्यू पुटअप करते हैं। तो इसका ये वाला पोर्शन मैं अभी इरेज कर दूंगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है? तो आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इस इमीडिएट, फिर मैं बताता हूँ इसके बाद आगे का पोर्शन, ये मैं लिखे रहने दूंगा क्योंकि इसका भी हमको जरूरत पड़ेगा। क्लियर? हो गया, ले लिया। चलिए अब मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, आप इसके बाद लिख लेंगे इसी प्रकार वो दोनों फैक्टर भी उसको सेटिस्फाइड करेंगे। देयरफॉर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, हम डिटर्मिनेंट्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर ये जो क्वेश्चन है उसको आप कॉपी करिए, माइनस टू ए ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस ए माइनस टू बी बी प्लस सी सी प्लस ए सी प्लस बी माइनस टू सी इक्वल, हम के एक कांस्टेंट ले लिए और फैक्टर है इसके ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। क्लियर? ये हमने लिख लिया, ये 4 का वैल्यू हम, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, तो ये तो हमने बता दिया तीनों फैक्टर, अब यहाँ 4 कैसे आएगा ये बताना है। तो के का वैल्यू पुट कर लिया, अब यहाँ पर देखो चूंकि सब प्लस प्लस में है तो दो दो तीन तीन नंबर मानने की जरूरत नहीं, जीरो हम मान नहीं सकते, जीरो मानेंगे तो सब के सब जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर सपोज कर लो इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू वन, हमने तीनों को वन सपोज कर लिया, ए को बी के बराबर, बी को सी के बराबर और सबको वन के बराबर सपोज कर लिया। देयरफॉर उस कंडीशन में हमारा डिटर्मिनेंट सब क्या हो जाएगा, यहाँ वन लिया तो माइनस टू, यहाँ दोनों को वन लिया प्लस टू, यहाँ पर भी प्लस टू, ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा टू, यहाँ पर माइनस टू 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 माइनस टू ये, और दैट इक्वल यहाँ पर वैल्यू पुट करें अपन तो k ये 1 प्लस वन टू वो भी 2 और ये भी 2। अब इसको हमको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें हमको कोई प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको ओपन कर दो सीधा। तो माइनस टू के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, माइनस टू अंदर क्या हो जाएगा, ये 4, ये 4 हो जाएगा और माइनस ये 4, इसके बाद 2, तो माइनस, इसके बाद हम माइनस लेते हैं तो यहाँ पर माइनस टू हो जाएगा और इस रो और
इस रो कॉलम को छोड़ें तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस फोर, और इसका इसके साथ में तो भी हो जाएगा माइनस फोर। क्लियर? फिर ये टू के लिए सॉल्व करेंगे तो प्लस टू, और इस रो और इस कॉलम को अपन छोड़ेंगे तो ये एलिमेंट बचेंगे तो ये हो गया टू, टू जब फोर, और प्लस इसके साथ ही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर इक्वल टू एट के, ये हो गया एट के। दैट इम्प्लाइज ये तो जीरो हो गया। यहाँ पर देखो माइनस एट इंटू टू तो कितना हो जाएगा प्लस सिक्सटीन, और प्लस ये भी 16 इक्वल टू 8k, दैट इम्प्लाइज 32 इक्वल टू 8k, दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4। तो हमने यहाँ पर k का वैल्यू 4 फाइंड कर लिया, यहाँ पर हम k का वैल्यू 4 फाइंड कर लिए। अब हम k के वैल्यू को वहाँ पर रख दें तो इतना इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। लास्ट में अपन लिख लेंगे कि के कमान इसमें रखने पर करके, इसको दे देना रिलेशन नंबर फर्स्ट, और लास्ट में आप लिखना के कमान रिलेशन एक में रखने पर तो फोर होगा। तो ये आपको टर्म्स मिल जाएगा और हो जाएगा क्वेश्चन प्रूफ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं प्रूफ, पे है विदाउट एक्सपांडिंग प्रूफ विच इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। क्लियर? तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि किस तरह से हम फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। तो ये रेयर ऑफ द रेयर फार्मूला है और आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और यदि इस मेथड को स्टूडेंट अच्छा प्रैक्टिस कर लेता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पर जब इसको प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन को आप सिंपल प्रोसेस लगा के प्रूफ करके देखना घर में, रो और कॉलम के साथ ऑपरेशन यूज करके, प्रॉपर्टीज यूज करके जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया अभी तक उससे करके देखना। ये बहुत लेंदी हो जाएगा या हो सकता है आपसे ना भी बने, ऐसा कंडीशन भी आ सकता है, इसलिए इसको स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद करके रखना है। यहाँ पर मेरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है कि डिटर्मिनेंट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था जिसको मैं अलग से आपको पढ़ाया। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन को आज कंप्लीट करने के बाद डिटर्मिनेंट्स का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा, जो कि मैट्रिसेस के साथ में आव्यूह के साथ में मिक्स होगा। तो अब हम इसका लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्या, डिटर्मिनेंट्स के अनुप्रयोग। क्लियर? तो चलिए अब आगे चलते हैं हम इसमें और सॉल्व करते हैं इसके अनुप्रयोग को। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक जिज्ञासा होती है कि भाई ये डिटर्मिनेंट जो अपन पढ़ रहे हैं एक्चुअल में ये काम क्या आता है। कई बार कई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखा कि सर डिटर्मिनेंट्स का यूज़ क्या है। मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट्स का क्या यूज़ होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी हिसाब से, और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन प्राय आते हैं। इसमें दो क्वेश्चन आता है, एक प्रूफ करने के लिए जो अभी तक पढ़े, और दूसरा इसके एप्लीकेशन से। ठीक है, तो हम इसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, इसके अनुप्रयोग को। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। मैं आपको फार्मूला समझा दूँ, उसके बाद बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणी के अनुप्रयोग। मैथमेटिक्स के क्लास को मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं पूरे टर्मिनोलॉजी और सबको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। शुरू के मेरे दो वीडियो रिलेशन के वो प्योर इंग्लिश मीडियम पर हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले उसको समझ गए होंगे। बाय द वे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मुझे बताएंगे, फिर मैं हिंदी में उसका अलग से वीडियो डाल दूंगा आगे टाइम निकाल के, लेकिन अब तो मैं उसको बाइलिंगुअल ही कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणी के अनुप्रयोग क्या है? पहला इसका अनुप्रयोग है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हिंदी मीडियम वाले इतना तो समझ सकते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल है, उसको मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए ज्यामिति में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला पढ़ा है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है अपने पास? डेल इक्वल 1/2 अंडर ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। देखिए मैंने आपको सारणिक पढ़ाना जब शुरू किया तो स्टार्टिंग में ही एक बात आपको बोली थी मैंने कि सारणिक का मतलब है एलजेब्रा का जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, बीजगणित का जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था उसको क्या करना, बहुत छोटा करना। बाद में हम जब 3-4 वाले समीकरण सॉल्व करने से सीखेंगे तो और बहुत मज़ेदार एप्लीकेशन है वो। तो इसको यदि सारणिक के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर हम सारणिक के रूप में इसको डेल इक्वल 1/2 सारणिक के फॉर्म में ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यदि इसको सॉल्व किया जाए सारणिक को तो ये जो मैं ऊपर में फार्मूला लिखा हूँ ज्योमेट्री का वो हमको मिलेगा। तो यदि हमको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस फार्मूला में पुट अप कर दें तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो ये इसका एक फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। इसको कई फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन सबसे आसान फॉर्म यही है, आप इसी फॉर्म में लिखना, ठीक है? क्योंकि इस फॉर्म में लिखने के बाद हम 2-0 कंटिन्यूअस लाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। सेकंड मैं आपको बता दूं इसी पर जो कंडीशन है वो है कि 3 बिंदु का संरेखीय प्रूफ करना, ठीक है? मतलब कोलिनियर इसी का पार्ट है। 3 पॉइंट्स को यदि अपने को कोलिनियर प्रूफ करना है, हमको ये बताना है कि 3 बिंदु क्या है, एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं। तो आपको मालूम है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, कोलिनियरिटी मतलब संरेखी होना। मैं थोड़ा उसको पहले समझा दूं। आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जैसे ये एक त्रिभुज है, इसका एक शीर्ष है x1 y1, एक शीर्ष है x2 y2 और एक शीर्ष है x3 y3। यदि हमको 3 बिंदुओं को संरेखी मतलब एक ही रेखा में है ऐसा यदि हमको प्रूफ करने के लिए दे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसको शून्य बता देते हैं। तो शून्य बताने से वो संरेखी कोलिनियर क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बिंदु भी यहीं आ जाएगा, ये बिंदु भी यहीं आ जाएगा, तो तीनों एक ही रेखा में आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएंगे एक ही लाइन में और त्रिभुज समाप्त हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, 0। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से ये सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन को आप ध्यान रखना कि कोलिनियर होने के लिए यदि आपको किसी क्वेश्चन में बोले कि इसको कोलिनियर प्रूफ करना है कोलिनियरिटी मतलब संरेखी प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के मतलब डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को क्या निकालना होगा, 0। ये और थर्ड कंडीशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। रेखा का समीकरण ये तीसरा हम कंडीशन इसका देखते हैं कि हम डिटर्मिनेंट्स की सहायता से रेखा का समीकरण भी फाइंड कर सकते हैं। और रेखा का समीकरण फाइंड करने का फार्मूला बस यही होगा, बस यहाँ पर x1 y1 की जगह में क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। उस समय जो रेखा का समीकरण होगा डेल इक्वल x y 1 x1 y1 1 और x2 y2 1। यहाँ पर हम x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू को पुट करेंगे
तो सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, रेखा का समीकरण मतलब सरल रेखा का समीकरण मतलब वही है। तो हम इसकी सहायता से किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको तीनों पर बेस्ड एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बताऊंगा टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि हम डेटा की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। फिर एक आध क्वेश्चन अपन ले लेते हैं इसके कोलिनियरिटी के लिए, और एक क्वेश्चन ले लेंगे इसके इक्वेशन पर। इतने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इस फार्मूला की स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे तो पता है बहुत आसान है, बुक में भी आपका दिया होगा, और क्वेश्चन भी इसके बहुत ही आसान है, क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इतना डिटरमिनेंट्स पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है। इसमें तो ऐसे ही वन रहता है, फटाफट एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, या जब इजी रहता है तो डायरेक्ट ओपन भी कर देते हैं जीरो लाने के बजाय। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे अपन देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन लेते हैं 2, 6, कोई भी ले सकते हैं, काम तो वही है बस, 2, 6 - 4 - 2 2, 6 - 4 - 2 एंड 3 - 1 एंड 3 - 1 से होके जाने वाले ये तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 2, 6 - 4 - 2 एंड 3 - 1। तो अब यहाँ पर आप फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चलिए आपको समझाने के लिए ऐसा बना दिया। एक वर्टाइसेस ये है ए, सपोज इसका कोऑर्डिनेट्स है क्या 2, 6। एक ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स है -4 - 2 और ये सी कोऑर्डिनेट्स है, ये है 3 - 1। अब यहाँ से हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट्स के हेल्प से इसका एरिया फाइंड करना है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि डेल इक्वल, एक बार फार्मूला को मैं अगेन लिख देता हूँ, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इसमें हम वैल्यू को पुट अप करें तो 1/2 ये हो गया x1 का वैल्यू, ये x1 y1 है, x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा 2, 6 x2 y2 - 4 - 2 और 3 - 1 1 1 1। बहुत आसान है, मैं बोला अब इस तरह के डिटरमिनेंट्स में आपको सॉल्व करने का क्या है। अब इसमें आप चाहें तो 2 जीरो ले आइए, और नहीं लाना है तो डायरेक्ट ओपन कर दीजिए, 2 जीरो ले ही आते हैं, आसान हो जाएगा। दैट इक्वल 1/2, ये 2 जीरो कैसे आएगा, मैं 2 ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, R1 tends to R1 - R2 और R2 tends to R2 - R3। ये 2 ऑपरेशन अपन यहाँ पर लगा देते हैं, तो इसमें इसको माइनस करो तो क्या हो जाएगा, -1 + ये 6 हो गया, इसमें इसको माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 8, इसमें इसको माइनस किए तो ये 0, इसमें इसको माइनस करेंगे -7 होगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये -1 ये 0 हो गया, और यहाँ बचेगा 3 - 1 1 3 - 1। ऐसे जरूरत है डायरेक्ट ओपन, लेकिन ये आसान हो जाता है। अब हम इस 1 के लिए सॉल्व कर देते हैं इसको, तो दैट इक्वल 1 1/2, इस 1 के लिए सॉल्व करें तो इस रो और उस कॉलम को छोड़ेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये 6 - -1 ये हो गया -6 और माइनस ये हो जाएगा 8 × 7 = 56 - 56। क्लियर, दैट इक्वल ये हो जाएगा, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस आपको समझाना था, -6 + 56 ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 2 डिवाइड होगा तो 25 यूनिट। ठीक है, एरिया है तो आप यूनिट मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ भी है।
ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हम इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट से। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन है कि सारणिक की सहायता से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब अपन एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें संरेखी प्रूफ करें, कोलिनियर प्रूफ करें कि तीन बिंदु क्या है, संरेखी हैं। तो निकालना तो आपको यही है, बस क्या करना है, शून्य लाना है उसको। जरूरत नहीं है तो आप पढ़ते पढ़ते बना सकते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए बस। इसमें दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत ही नहीं है, मेथड बस सीखना है आपको, फार्मूला याद रखना है, मेथड सीखना है, बाकी इसमें बहुत प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, बस आपको फार्मूला बस याद रखना है, वैल्यू पुट अप, सारणी हल करना तो आपको आता ही है। क्लियर। अब यहाँ पर कोलिनियरिटी का एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, -6, 9 सेकंड क्वाड्रेंट इज 0, -9 एंड -2, -3 आर कोलिनियर। ये हमको कोलिनियर प्रूव करना है, संरेखी है, इसको हमको संरेखी प्रूफ करना है। क्लियर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे इस तरह से डिटर्मिनेंट से, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, इसका वैल्यू x1 y1 -6, 9, 1, 0, -9, 1 और -2, -3, 1 दैट इक्वल, इसको मैं जीरो रनी ला रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें इसको माइनस करेंगे 0। चलिए -6 के लिए अपन सॉल्व करते हैं, तो -6 अंडर ब्रैकेट क्या होगा, देखिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ोगे तो 9 × 1 ये -9 और ये प्लस थ्री ये हो गया माइनस। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 + 2 ये होगा और प्लस, इसके लिए हम सॉल्व करें तो इसका 0 और ये 18 होगा और सामने माइनस तो -18 हो जाएगा, दैट इक्वल ये हो गया -6 - 6 प्लस 36 होगा ना क्योंकि माइनस हो रहा है, ये हो गया 36, ये -2 और वो -18, 0 नहीं हुआ, एक मिनट चेक कर लें, -6 के लिए हम मल्टीप्लाई करें -1 × 9 -9 और -3 - फिर -+ ठीक है ये तो यहाँ पर 9 को लिखना मैं भूल गया ना, बाहर 9 भी मल्टीप्लाई होगा, -9 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ तो 1 है तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं था 9, तभी हो गया ये -18, तो ये 36 = 0 कुछ भी नहीं है, बहुत आसान काम है, एरिया आप ट्राइंगल निकालोगे 0 आएगा, लेकिन ये एग्जाम में आता है, बहुत ईजी होने के बाद भी ये एग्जाम में आता है, सिद्ध करो कि दिए गए बिंदु क्या है। यहाँ पर एक पैटर्न का और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन में आपको उसको समझा देता हूँ, सपोज ये बोल दिया, थोड़ा ध्यान से सुनना, अब उसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं, सपोज आपको ये बोल दिया कि इसमें एक वैल्यू को गायब कर दिया, ये तो आप समझ गए, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना वगैरह ले देख लीजिए, मैं इसी को थर्ड नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ और इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में मैं ये -3 जो था, ध्यान से सुनना ना, ये -3 जो था उसके जगह में मैं लिख दिया के, वहाँ पर -3 को हटा दिया और आप ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा नंबर था, -3 था और मैं उसको हटा के लिख दिया और क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया और बोला
कि के किस मान के लिए ये संरेखी होगा, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वो बोल रहा है के किस मान के लिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो के किस मान के लिए संरेखी होगा। समझ गए आप बात, बोल देगा क्वेश्चन -6, -9, 0, -9, -2 संरेखी हैं, तो के का मान ज्ञात करो या के किस मान के लिए संरेखी होगा। तब आप क्या करोगे, आप अपने डिटर्मिनेंट्स को 0 लिख लोगे शुरू से। क्यों लिख लोगे, क्योंकि संरेखी बोला है, और यहाँ पर -2, -3 इसके जगह में क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा, क्लियर। और जब अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख दिए इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या हुआ देखो, -6 के लिए सॉल्व किए तो ये जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हुआ -9 और माइनस के हो जाएगा, -9 और जो यहाँ पर 3 आया था उसके जगह क्या आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा, ये -9 हो जाएगा। बात आ रही समझ में, जो यहाँ पर वैल्यू था उसके जगह के लिख दिया, तो कहाँ कहाँ पर चेंज होगा इसमें देखिए, इसके लिए सॉल्व करेंगे इतना इतना वहाँ आ गया, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये रो इसमें तो आएगा नहीं, जब हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर भी इसके साथ में 0 हो जा रहा है, मतलब एक जगह के आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 54 और प्लस 6 के, यहाँ पर -18 और यहाँ पर भी -18 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज ये 36 हुआ और 36 में हम 54 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18, -18 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 6 के प्लस 18 हो गया, ठीक है, -36 में 54 माइनस हुआ तो प्लस 18 बचेगा इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू -18/6 दैट इक्वल टू -3, तो के का मान कितना आ गया -3। देखो यही था के का मान जो वहाँ पर -3 था। तो एक ही क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बता दिया, पहले आपको बताया कि वो संरेखी है सिद्ध करो तो 0 ला दिया, फिर वहाँ से एक कोऑर्डिनेट्स को गायब करके उसके जगह मैं के लिख दिया और बोला कि के किस मान के लिए संरेखी, वो कोलिनियर होगा, तो हम उसको 0 कर दिए, वहाँ के लिख दिए, इसको सॉल्व करके के का वैल्यू फाइंड कर दिए। तो इस पैटर्न का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये पैटर्न का क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है, क्लियर। अब हम इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और एप्लीकेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सरल रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा और उससे हमको स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए, कुछ भी अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि वन माइनस थ्री और 0, 0 से, ठीक है, एक इक्वेशन फाइंड करते हैं अपन, 1, 3, 0, 0 एक पॉइंट है 1, 3 और बी पॉइंट ले लिया हमने 0, 0 तो ए बी से होके जाने वाले रेखा का समीकरण, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू ए एंड बी, मतलब ऐसा फिगर यदि अपन बना दें तो ए एक पॉइंट है 1, 3 और बी एक पॉइंट है 0, 0 और इससे होके जो लाइन स्ट्रेट लाइन जा रहा है
इसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये भी बहुत आसान काम है, फार्मूला आपको बताया उसमें पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन का फार्मूला सीधा ये x y 1 फिर x1 y 1 1 3 1 0 0 1, ये तो और दो लाइन का है, कुछ नहीं रखा इसमें। ये क्वेश्चन हमको क्या पूछा है कि 1 3 और 0 0 से होकर जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, का समीकरण ज्ञात करो। तो हमें फार्मूला में पुट कर दिए, 0 रख दिया, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। दैट इम्प्लाइज सीधा 2 0 है यहाँ पर, 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो इस कॉलम इसके रो को छोड़ेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x - y = 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा का समीकरण है, हो गया आंसर निकल, कुछ नहीं है। तो कितना आसान है देखो इसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन फाइंड करना, जो ज्योमेट्री की हेल्प से भी हम निकालते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री की हेल्प से अपन निकालने हैं तो क्या फार्मूला होता है, x - x1 + y - y1 = 0। तो वहां पर भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो यही निकलता है। तो ये क्या है हमारा स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉल्व करने का फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमने एप्लीकेशन पढ़ा डिटर्मिनेंट्स का, और डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन बहुत इजी है, लेकिन इजी होने के बाद भी क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटर्मिनेंट्स के और मैट्रिसेस के कंबाइंड एडजॉइंट निकालना, फिर एडजॉइंट के साथ मैट्रिक्स निकालना, फिर ओपन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप रिविज़न करिए और ये हमारा टॉपिक कम्प्लीट होता है यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का। ओके, थैंक यू।